सब एक है, हम सब एक है। बीस पंजे काउंट डाउन, डाउन 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 डाउन। बीस पंजे काउंट डाउन, डाउन 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 डाउन। बैंक कर्मचारी अधिकारी संगठनों ने केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण की योजना के विरोध में शनिवार को पंजाब नेशनल बैंक खंडवा में विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे मार्च में संसद का घेराव करेंगे। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ यानी AIBEA ने एक बयान में ये जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में अपने बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। AIBEA ने बयान में कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले नो यूनियंस के लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। एसोसिएशन ने आगे बताया कि शुक्रवार के धरने के बाद बैंक संगठन अगले 6 दिनों के दौरान खंडवा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। बयान में आगे कहा गया कि हम 10 मार्च को बजट सत्र के दौरान संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि इसके बाद 15-16 मार्च 2021 को बैंकों के 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी 2 दिन की हड़ताल भी करेंगे। बयान के मुताबिक अगर सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो हम आंदोलन तेज करेंगे और लंबे समय तक हड़ताल और अनिश्चित काल तक भी हड़ताल कर सकते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। MPBE खंडवा के उपाध्यक्ष काम प्रमोद चतुर्वेदी ने बताया, सरकारी बैंकों के सामने एकमात्र समस्या खराब ऋणों की है जो अधिकांश कॉरपोरेट और अमीर उद्योगपति द्वारा लिए जाते हैं। सरकार उन पर कार्रवाई करने के बजाय बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले साल यस बैंक मुसीबत में था और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का अधिग्रहण एक विदेशी बैंक ने किया है। AIBO से कॉम संतोष शर्मा ने कहा, हमने ICICI बैंक में समस्याओं को देखा है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि निजी क्षेत्र की बैंक बहुत कुशल है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आम लोगों, गरीब लोगों, कृषि, छोटे स्तर के क्षेत्रों और ऋण को ऋण देते हैं, जबकि निजी बैंक केवल बड़े लोगों की मदद करते हैं। AIBAE के कॉम अरुण त्रिपाठी ने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने युवा बेरोजगारों को स्थायी नौकरियां दी हैं, जबकि निजी बैंकों में केवल अनुबंध की नौकरियां हैं। सैकड़ों कर्मचारियों, अधिकारियों ने बैंक निजीकरण के विरुद्ध वित्त मंत्री के हठधर्मिता के खिलाफ नारेबाजी की। खंडवा से रिजवान खान की रिपोर्ट।